और अब खबर भोपाल से, जहां बता दें बीजेपी नेता को कांग्रेस का खुला ऑफर यहां पर दिया गया है। गोविंद सिंह ने पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा को ऑफर दिया है। अनूप मिश्रा मेरे पुराने मित्र हैं, बीजेपी में उनकी जो स्थिति है उसे देखकर मन दुखी है। कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कमलनाथ से टिकट की बात करूंगा। आज बीजेपी में अनूप मिश्रा के पास कोई पद नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं अनूप मिश्रा। मध्य प्रदेश बीजेपी में इस समय नाराज नेताओं की एक लंबी कतार है और दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों के बीच में अनूप मिश्रा को नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बड़ा ऑफर दिया है। मेरे साथ खुद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, अनूप मिश्रा से बातचीत हुई है आपके, कहा जा रहा है कि कांग्रेस में शामिल हो, खुला ऑफर उनके लिए? माननीय अनूप मिश्रा जी मेरे साथी हैं, मित्र हैं और छात्र जीवन में समाजवादी आंदोलन के हमारे सहयोगी साथी रहे हैं। आज जिसके मामा जी ने पूरे देश में जनसंघ भारतीय जनता पार्टी को आज सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी उनको लगातार अपमानित कर रहे हैं। अनूप मिश्रा जी का टिकट काटकर उनको राजनीतिक रूप से घर बैठाने का योजना अकेले अनूप मिश्रा जी के साथ ही नहीं, सभी जो सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रहे, जिन्होंने आज जिसकी नींव डालकर वृक्ष लगाया है, शिवराज सिंह वृक्ष का पूरा फल स्वयं खा रहे हैं। और ऐसे लोगों को जो जनाधार हैं वाले नेता हैं उनको धीरे धीरे समाप्त करने का भारतीय जनता पार्टी में प्रयास कर रहे हैं। अनूप मिश्रा जी कद्दावर नेता हैं, हिम्मत वाले हैं, गरीबों की जन समस्याओं के लिए रात दिन उनके घर के सामने आज भी सत्ता में न होते हुए सुबह से शाम तक 200-400-500 आदमी अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए आता है। कैमरामैन विजय के साथ सुधीर डंडोतिया, न्यूज़ 24 भोपाल।